आदाब दोस्तों, आज आप सबसे एक मुख्तसर कहानी शेयर करने जा रहा हूं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बंदा नाचीस को उज़ैर रशीद कहते हैं। एक मौलवी साहब बरसात के जमाने में अपने वतन की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में समंदर भी पड़ता था और कश्ती में सवार होकर जाना पड़ता था। मौलाना जब कश्ती में सवार हुए तो मल्लाह की तरफ देखकर बोले, अरे मियां, देखने में तो तुम बिल्कुल गंवार लगते हो, कुछ पढ़े लिखे भी हो या नहीं, कोई तालीम से भी तुम्हारा ताल्लुक है या नहीं। तो मल्लाह बोला, नहीं मौलाना साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो मौलवी साहब बोले, नौजवान, इसका मतलब तुमने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये बात सुनकर मल्लाह खामोश हो गया और अपना काम करने लगा। जब सफर शुरू हुआ, थोड़ी दूर कश्ती समंदर में आगे बढ़ी तो पानी की बड़ी लहरों और तेज तूफान ने कश्ती को आ लिया। ऐसा लग रहा था कि तेज तूफान में कश्ती डूब जाएगी और सब मर जाएंगे। मल्लाह ने मौलाना की तरफ देखा और बोला, हजरत, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? मौलाना चीख कर बोले, मुझे तैरना नहीं आता। तो मल्लाह बोला, इसका मतलब मौलाना साहब, आपने अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। खैर दोस्तों, खुशकिस्मती से तूफान टल गया और मल्लाह अपनी महारत से कश्ती को तूफान से निकालकर किनारे तक लाने में कामयाब हो गया। मौलाना कश्ती से उतरने लगे तो मल्लाह ने मौलाना से कहा, हजरत, आप बहुत पढ़े लिखे और काबिल इंसान हैं, अगर इजाजत हो तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मौलाना बोले, जरूर कहो नौजवान, तुमने हम सब मुसाफिरों की जान बचाई है और हमें महफूज मुकाम तक पहुंचाया है, जो कहना चाहते हो कहो। तो मल्लाह बोला, हजरत, इस दुनिया में ऊपर वाले ने हर एक को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अता किया है जो दूसरे के पास नहीं है। अपने अपने काम में हर शख्स वली और मौलवी है। जिस तरह मौलवी मल्लाह नहीं हो सकता, इसी तरह मल्लाह मौलवी नहीं हो सकता। हर शख्स को खुदा ने किसी खास काम के लिए पैदा किया है, इसलिए किसी शख्स की अपने काम में महारत को देखने के बावजूद भी उसे गंवार नहीं कहना चाहिए। मौलवी साहब की आंखों में यह बात सुनकर आंसू आ गए और उन्होंने मल्लाह को अपने गले से लगा लिया और इस बात को मिंबर से बयान करके पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। दोस्तों, खुदा की बनाई इस दुनिया में कोई भी इंसान कमतर नहीं है, और जो लोग बर्तरी के घुमंड में मुब्तला होते हैं, ऐसे बाजों को मैंने हमेशा चिड़ियों के हाथों मार खाते हुए देखा है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज़।